खबर है। इस बीच बड़ी खबर, धमाका कोल प्लांट के बैटरी चैम्बर नंबर 5, 6 और 7 में हुआ बताया जा रहा है, जिसमें 2 कर्मचारियों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका होते ही अफरा तफरी का माहौल है, भीषण आग लगी है और गैस लीकेज होने की बात सामने आई है। सूचना मिलने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकांश कर्मी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। झारखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के जमशेदपुर से ये बहुत बड़ी खबर है। जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में भीषण आग लगी है। धमाके के बाद स्टील प्लांट में भीषण आग लगी है, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट करके इस मामले की जानकारी दी है। इस वक्त दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ी खबर झारखंड से, टाटा स्टील प्लांट बेहद चर्चित, जहां पर ये आग लगी है। जोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल। प्लांट में आग लगने और गैस रिसाव होने के बाद कर्मचारियों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला गया और राहत की बात यह है कि कई कर्मचारियों को अब तक निकाल लिया गया है। दर्जनों गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। ये आग इतनी भीषण थी, तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी होगी, जिसको बुझाने के लिए कई गाड़ियों को बुलाना पड़ा। ये घटना IIM कोक प्लांट के बैटरी नंबर 6 और 7 की बताई जा रही है, जहां पर टाटा स्टील प्लांट में ये आग लगी है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, यहां टाटा स्टील के प्लांट के अंदर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। प्लांट में आग लगने और गैस का रिसाव होने के बाद कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बुलंदशहर में बिजली की लाइन से उठी चिंगारी की चपेट में आई कार, जलकर खाक हो गई। कार की